Good morning, guys. How are you all? Good morning, guys. Good morning. गाइस वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से ताकि बाकी लोग भी आ सकें। अच्छा कोई काउंट रख रहा है क्या? काउंट रख रहा है कोई? जस्ट वन सेकेंड, मैं मेरी पेन भूल गई, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या कोई काउंट रख रहा है कि कितने दिन बाकी हैं हमारे पास अभी एग्जामिनेशंस को? 39 days एग्जैक्टली गाइज, इट्स नॉट इवन 40। 40 days भी अभी हमारे पास नहीं बचे हैं, सो ओनली 39 days, राइट? क्या चल रहा है आपका? मैम हिंदी लैंग्वेज भी यूज किया करो बेटा, हिंदी लैंग्वेज ही तो है। मैं पूछ रही हूँ कितने दिन बाकी है, तो मतलब मैं क्या ही इंग्लिश में बोला है इसको, काउंट गिनती बोलूं कि कितनी गिनती चल रही है? चल कोई बात नहीं, आपके लिए गिनती में पूछ लेती हूँ। पता है आपको कितनी दिन बाकी है आपके एग्जामिनेशन को, आपकी परीक्षा को? गुड मॉर्निंग गाइस, कीप ज्वाइनिंग कीप ज्वाइनिंग, जल्दी जल्दी से आते जाओ जल्दी। चलो हाँ, स्टेप्स इन रिसर्च तो आज स्टार्ट कराना है, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को आज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉग्निटिव डोमेन कराऊंगी। किसी की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि मैम प्लीज करा दो, तो बस अभी वही कराने वाली हूँ मैं आप लोगों को। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हो? चलो तो स्टार्ट करें, आई होप सारे लोग आ गए हैं अभी, ठीक है? तो गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। आज जो है मैं बिल्कुल आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे एक टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में क्या पता है? मैम जैसे जैसे एग्जाम नियर आ रहा है वैसे वैसे मन हो रहा है बस सोने का एंड एग्जाम हो जाए, सोने का और एग्जाम हो जाए। डेयर होता है, ऐसे होता है। देखो जैसे जैसे एग्जामिनेशन आएंगे ना, ऐसा मेरे साथ भी होता है कि वैसे एग्जामिनेशन में 2.5 महीना पड़ा रहेगा, 3 महीना पड़ा रहेगा, तो मैं बिल्कुल ऐसे 4 बजे उठ जाती थी। बिल्कुल मेरा एकदम स्ट्रिक्ट नियम था, 4 बजे उठ जाती थी, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है ना, तो पढ़ने का मन नहीं करता। वाई बिकॉज देखो, एक तो डर रहता है हमारे मन में कि हमसे ना हो पाएगा, राइट? एक तो वो डर रहता है, तो वो डर है ना आपको कुछ करने ही नहीं देता। मतलब वो ना एक तरीके से आप कह लो कि वो आपको ना पैरालाइज कर देता है बिल्कुल, कि कुछ करना ही नहीं है, किसी चीज में मजा ही नहीं आ रहा है। तो लेकिन अब डर को आपको हावी नहीं होने देना है। और प्लस दूसरी बात क्या है ना, देखो आपको तो मोटिवेशन बहुत सारे जगहों से मिल जाएगा, राइट? यूट्यूब पे ही देख लो, बहुत सारे वीडियोस आपको मोटिवेशन के मिल जाएंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मोटिवेशन ना आपको अंदर से ही आएगा। जब आपको भूख लगती है तो खाने के लिए पूछना नहीं पड़ता है कि खाना खाना है कि नहीं खाना है, या मोटिवेट नहीं करना पड़ता है, पुश नहीं करना पड़ता है कि खाना खा लो, राइट? वो भूख अंदर से लगती है और उसके लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए होता है। तो जब आपको भूख लगेगी ना, जब आपको नीड समझ में आएगी ना कि हाँ मेरे को ज़रूरत है बिल्कुल ये चीज़ करने की, मुझे JRF करना ही करना है, क्यों ज़रूरी है, जब वो नीड समझ में आएगी ना, तो नींद बंद हो जाएगी, गायब हो जाएगी बिल्कुल अपने आप। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थॉट्स एंड कॉग्निशन करा दो डियर, वही कराने वाली हूँ। मैम आपने क्या किया है स्टडीज में? तो डियर मैंने मेरा MBA ख़त्म किया है मार्केटिंग में, फिर MCOM भी ख़त्म किया रिसेंटली अभी मार्केटिंग में, नेट JRF क्लियर कर लिया, अभी जो है PhD की तैयारी कर रही हूँ।
करने वाली हूँ, मतलब अभी तक मैंने पीएचडी किया नहीं है या किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल नहीं किया है, बट यस इस दिसंबर्स में करूँगी। चलो तो आगे बढ़े, शैल वी स्टार्ट? मैम जैसे रिसर्च बोलते हैं, बस आप उसको शोध भी बोल दिया करो। अच्छा, जैसे रिसर्च बोलते हैं आप उसको शोध भी बोल दिया करो। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी, मुझे जितनी हिंदी आती है सारी की सारी यहाँ पे अप्लाई करने की। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आज का टॉपिक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि इसके बारे में आप लोग क्या जानते हो। यूनिवर्सिटीज के हिसाब से फेलोशिप मिलती है डियर, आप जिस यूनिवर्सिटी से जाते हो उस यूनिवर्सिटी में आपको वैसा वैसा फेलोशिप मिलता है। चलो मैम बताइए किस एनवायरनमेंट का है टॉपिक। नहीं डियर, एनवायरनमेंट का टॉपिक नहीं है ये, टीचिंग एप्टीट्यूड का एक छोटा सा टॉपिक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। उसके अंदर भी तीन फील्ड होते हैं, कॉग्निटिव होता है, अफेक्टिव होता है, साइकोमोटर होता है। उसमें से मैं आज सिर्फ कॉग्निटिव कराने वाली हूँ। 3 H होते हैं इसमें। यस देखो, सबसे पहले पहले ना तो ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो लाया था बेंजामिन ब्लूम ने, ठीक है? ये लाया था बेंजामिन ब्लूम ने, कब लाया था बताओ, कब लाया था बताओ? 3 H होते हैं। यस, कैप होता है। यस, इसमें कैप होता है, कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर। यस चलो, 3 H होते हैं ये तो ठीक है, लेकिन कब लाया था? 1956 में 3 H आए थे। यस बिल्कुल, तो बेंजामिन ब्लूम ने जो मॉडल है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का वो लाया था 1956 में। अभी ऐसा नहीं है कि बेंजामिन ब्लूम का टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है तो सिर्फ बेंजामिन ब्लूम ने लिया था, ये पूरी की पूरी उनकी एक टीम थी, लेकिन उस टीम के हेड बेंजामिन ब्लूम थे, इसीलिए इसको जो है हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ये 2 बार आया था, देखो 1956 में तो बेंजामिन ब्लूम ने लाया था, फिर हमने उसको जो है 2001 में रिवाइज करा था, मतलब उसमें हमने थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ उसमें हमने चेंजेस करी थी, राइट? अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि 2001 में जो आया था ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी जो रिवाइज था, वो रिविजन किसने दिया था, राइट? किसके थ्रू ये रिविजन हुआ था, किसके थ्रू ये चेंजेस आई थी, राइट? अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले पहले तो हम लोग देखते हैं हम जिस भी टॉपिक के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं अपने आसपास उसको लेके हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी है, मतलब हमको कितना वो टॉपिक है जो समझा उसके ऊपर हमारी जो नॉलेज है वो नॉलेज कितनी हमारी क्रिएट हुई, राइट? वो उसको कंसेप्ट को पूरा का पूरा एज अ कंसेप्ट, मतलब एज अ होल हमने कितना समझा, और उसके पार्ट्स, ठीक है, एज अ पार्ट्स उसके छोटे छोटे पार्ट्स हमने कितने समझे, राइट? ये बेसिकली जो टीचर्स है ना आजकल वो टीचर्स इसको यूज करती हैं। जैसे मान लो अगर एक टीचर है, उस टीचर ने आपको जो है इवेल्यूएशन ऑफ मेन, ठीक है, जो मेन है कैसे बंदर थे, बंदर से लेके लेके वो लोग आदमी इंसान कैसे बने, वो पूरा का पूरा प्रोसेस अगर समझाते हैं, वो पूरा इवेल्यूएशन अगर वो समझाते हैं, राइट, उसके बाद उनको क्या करना है, उनको देखना है, उनको मूल्यांकन करना है कि कौन से बच्चे को कितना समझ में आया, राइट? लेकिन ये बात भी सही है कि हर एक बच्चे की स्किल्स अलग होती है, हर एक बच्चे का जो है दिमाग अलग होता है, सारी चीजें उनमें जो अलग होती हैं, हर एक बच्चे की जो एबिलिटीज हैं वो एबिलिटीज अलग होती हैं, राइट? तो अगर एक ही मैंने सिंगल क्वेश्चन उस बच्चे को दिया तो जरूरी नहीं है कि वो बच्चा जो है समझा सके। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अभी आप आगे चल के देखोगे ना कि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एनालाइज, सिंथेसाइज, इवेल्युएशन, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब बच्चा कहीं ना कहीं जो 6 स्टेप्स हैं उस 6 स्टेप्स में से कहीं ना कहीं तो समझेगा, कुछ ना कुछ तो समझेगा, राइट? हर बच्चा है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से उस चीज को समझेगा।
लेकिन हो सकता है कि कोई बच्चा ना पूरा कंसेप्ट को एक साथ एक्सप्लेन ना कर सके, राइट? हो सकता है कि उसको समझ में तो आई सारी चीजें, लेकिन वो बताने मतलब उसमें उतनी एबिलिटी नहीं, उसमें उतने जो है कुशलता नहीं कि वो पूरे के पूरे बेंजामिन ब्लूम की टैक्सोनॉमी को एक साथ अच्छे से समझा सके, राइट? तो इसी चीज को जो है ब्रेक डाउन करने के लिए, इवेल्युएशन करने के लिए ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आया कि ताकि समझ सके कि इस बच्चे में कितनी जो है केपेबिलिटीज है, उसको कितनी चीजें समझ में आ रही हैं, राइट? ये जो है बेसिकली आपके जो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपके लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जब आप लर्न कर रहे हो तो उसके पीछे आपका जो कारण है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग इस मॉडल को यूज करते हैं। बेंजामिन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और कुछ भी नहीं, ये एक मॉडल है, ठीक है? एक तरीके का मॉडल है, और ये कोई टीचिंग मॉडल नहीं है, ये एक लर्निंग मॉडल है, इस बात का ध्यान देना। टीचिंग मॉडल नहीं है, ये एक लर्निंग मॉडल है, राइट? किस तरीके से आप लर्न कर रहे हो उस चीज को देखने के लिए ये यूज होता है। चलो अभी जो है इसमें कुछ चेंजेस हुई, हमने देखा 1956 में उसका जो है अच्छा चलो एक और बात मैं आपको बता देती हूँ। ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, ये गांधीयन जो थिंकिंग है उससे इंस्पायर्ड है। अब गांधी जी क्या सोचते थे? गांधी जी सोचते थे कि जब भी हम एक बच्चे को जो है शिक्षा दे रहे हैं, उसकी शिक्षा ना तीन चीजों में होनी चाहिए। एक तो वो हेड है, ठीक है, एक तो वो हार्ट है, और हेड हार्ट और जल्दी से बताओ, जिन भी बच्चों ने HHH बोला था, हेड हार्ट और हैंड होता है बराबर। तो गांधी जी क्या कहते थे कि जब भी आप एक बच्चे को पढ़ाते हो तो उसको इस तरीके से पढ़ाओ, उसका विकास तो हो, राइट? उसके दिमाग का विकास तो हो, उसको नॉलेज तो मिल ही रहा है बहुत सारी चीजों से, प्लस उसका जो हार्ट है मतलब उसका जो बिहेवियर है ना सोसाइटी में, वो उसको किस तरीके से बिहेव करना है वो भी उसको सिखाओ। मतलब जैसे हम लोगों को सिखाया जाता है ऑल इंडियंस आर्मी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सबके साथ भाईचारा रख के चलो, हमको सिखाया जाता है कि बड़ों के साथ जो है इज्जत से व्यवहार करो, एल्डर्स के साथ आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, तो वो सारी चीजें उन्होंने बताई। प्लस जो गांधी जी है वो कहते थे, अब यहाँ पे हैंड का मतलब क्या है कि किसी भी बच्चे को कोई भी ना स्किल्स देना, यानी कि कोई भी कुशलता देना। जैसे अगर मान लो कि कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहे, ठीक है, हो सकता है कि उसका हेड इतना स्ट्रांग नहीं है, हो सकता है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, लेकिन उसको कुशलता दे दो, फिर स्किल्स दे दो, कोई ना कोई चीज सिखा दो कि जब भी वो बाहर जाए स्कूल छोड़ के आपका, तो वो जो है सोसाइटी में रहने के काबिल हो सके, सोसाइटी में खड़ा होने के काबिल हो सके, वो डिपेंडेंट हो सके सोसाइटी में, राइट? तो ये होता है हेड, उसका दिमागी विकास कराओ। हाँ, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो चलन है, उसका जो आचरण है सोसाइटी में, उसको प्रॉपर करो। और दूसरा हैंड, हैंड का मतलब होता है कि उसको स्किल्स देना, उसको कोई ना कोई कुशलता देना। लड़की होगी तो उसको सिलाई बुनाई सिखा दो, अगर लड़का होगा तो मान लो उसको पॉटरी सिखा दी, राइट? तो ऐसी चीजें जिससे वो बाहर जाके पैसा कमा सके, राइट? तो ये थे गांधी जी के 3H। अब उसके बाद इसी चीज को लेके, इसी चीज से इंस्पायर होके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने क्या लाया? कैप, ठीक है? कैप यानी कि कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। ये भी बिल्कुल सेम था, कॉग्निटिव ये भी हेड से रिलेटेड होता है, आपका इंटेलेक्ट कितना है, ठीक है, आप कितने समझदार हो, कितना आप में इंटेलेक्ट है, कितनी आपकी थिंकिंग है, ठीक है, आपकी थिंकिंग पे भी वो डिपेंड करता है। फिर अफेक्टिव मतलब आपकी सोच क्या है, आपके बिलीव्स क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, उन पर डिपेंड करता है। और साइकोमोटर अगेन आपकी जो स्किल्स है वो स्किल पे डिपेंड करता है, राइट? चलो अब हम देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम समझेंगे, ठीक है, कॉग्निटिव के डोमेन को हम समझेंगे। 1956 में जो है देखो उसका जो सीक्वेंस है वो कुछ ये था, 2001 में हमने रिवाइज करके उसका सीक्वेंस कुछ ऐसा लिया, राइट? अब देखो यहाँ पे जैसे इसका जो फॉर्मूला आप लिख सकते हो KCA2SE, ठीक है, KCA2SE। K से क्या है? नॉलेज। C से कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेल्युएशन। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी आपको हम नॉलेज बोल रहे हैं, अब टीचर ने क्या किया, टीचर ने आप लोगों को इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन बॉडी सिखाया, ठीक है, ह्यूमन बॉडी कैसे कैसे चेंज हुई। अब वो क्या देखेंगे, यहाँ पे आपको उस टॉपिक को लेके कितनी नॉलेज है। जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आई, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में पहले मैं ये देखना चाहूंगी कि आपको उस चीज के ऊपर कितनी नॉलेज है, राइट? कौन सी ऐसी चीजें हैं उस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को लेके जो आप याद कर पा रहे हो, जो आप रिकॉल कर पा रहे हो, राइट? उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब भी अंडरस्टैंड
होता है. अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें सेम है, ठीक है, बस ये नाउन फॉर्म में लिखा हुआ है और ये उसका एक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि वर्ब के फॉर्म में लिखा हुआ है. नॉलेज का मतलब यही होता है कि आपको कितनी चीजें याद कर पा रहे हो, आप कितना रिमेम्बर कर पा रहे हो, राइट, आप कितना चीजों को रिमेम्बर कर पा रहे हो. तो यहाँ पे जब हम वर्ब की बात करते हैं ना, तो कभी कभार वो क्या करते हैं, आपसे उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स भी पूछ सकते हैं. तो रिमेम्बर से रिलेटेड कीवर्ड्स किसी को पता है? जैसे मैं बोलूं, एक है रिकॉल और रिकॉल, रिकॉग्नाइज, रिट्राइव, ठीक है, ये कुछ कीवर्ड्स हैं आप लोगों को याद रखने हैं, जो नॉलेज में भी आता है. देखो नॉलेज और रिमेम्बर दोनों का मतलब सेम ही है, बस उसका जो वर्ड है थोड़ा सा वर्ड को उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है. इसीलिए देखो जो ये चीजें हैं ये उन्होंने सेम कलर में भी डाली है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, ग्रीन है, ग्रीनिश ब्लूइश जो भी है, राइट. तो ये चीजें एग्जैक्टली सेम है, बस उनका जो है लिखने का तरीका उन्होंने थोड़ा सा बदल दिया. पहले नाउन में लिख रहे थे, अभी वर्ब में लिखने लगे, राइट. नॉलेज का मतलब क्या कि आपको उसके बारे में पहले प्रायर कितनी नॉलेज है, ठीक है, कितनी चीजें आपको याद आ रही है, कितनी चीजें आप उसके बारे में रिकॉल कर पा रहे हो, मतलब वापस अपने दिमाग में ला पा रहे हो. अगर मैं उसको लेके आपको कुछ चीजें दिखाऊं तो क्या आप उनको पहचान पा रहे हो, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो. और रिट्राइव, जब आपको जरूरत है उस चीज की तो आपके दिमाग में वो आ रही है कि नहीं, रिपीट हो रही है कि नहीं, राइट. उसके बाद जो नेक्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है कि अंडरस्टैंडिंग करना. मतलब अभी जैसे वो इवैल्यूएशन को देख लें, इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो किस तरीके से आपको चीजें याद आई वो अलग बात है, ठीक है. कॉम्प्रिहेंड करने का मतलब क्या होता है कि आप जो है अपने ओन वर्ड्स में, ठीक है, आप अपने ओन वर्ड्स में उस चीज को बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो, राइट. अभी हो सकता है कि कोई बच्चा जो है रिकॉल करने में असमर्थ है, ठीक है, उसको इतना ज्यादा वर्ड्स रिकॉल नहीं हो रहे हैं, जो भी टीचर ने कराया था वो एग्जैक्टली उसको रिकॉल नहीं हो रहा है, लेकिन जब उसको बोला कि आप अपने अपने ओन वर्ड्स में बताओ तो उसने बता दिया, उसने पूरा का पूरा एवेल्युएशन बता दिया, राइट. तो इसीलिए ये कॉग्निटिव डोमेन आता है, ताकि हर बच्चा अलग है तो हर बच्चे को हर एक स्टेज पे एवेल्युएट किया जाए और हमको पता चल सके कि उसको आता है कि नहीं आता है, राइट. यहाँ पे आप क्या करते हो, चीजों को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हो, ठीक है, आप चीजों को क्लासिफाई करते हो, आप चीजों को तोड़ते हो, ठीक है, आप उनको एकांकित करते हो, उसके अंदर डालते हो, ग्रुप्स के अंदर डालते हो, आप उसको एक्सप्लेन कर पाते हो, ठीक है, अपने ओन वर्ड्स में आप क्या करते हो उसको एक्सप्लेन कर पाते हो और अपने ओन थॉट्स उसको लेके एक्सप्रेस भी कर पाते हो, आप चीजों को बता भी पाते हो अपने ओन वर्ड्स में, राइट. नेक्स्ट है एप्लीकेशन. अब एप्लीकेशन और अप्लाई. अब अप्लाई में क्या है कि आप किस तरीके से जो ये नॉलेज आपको मिला, जो इवैल्यूएशन आपको मिला, उसको किस तरीके से अब अप्लाई कर पा रहे हो. जैसे आपने देखा कि वो पहले ऐसे बंदर थे, झुक के चलते थे, फिर थोड़ा सा सीधा हुए, फिर थोड़ा सा सीधा हुए, फिर पूरा अभी सीधा चलते हैं, तो क्या आप इसके बाद फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि इसके आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, इसके आगे क्या आएगा. आप खड़े होकर चल रहे हैं तो अब क्या होने वाले हैं, आगे उड़ के चलेंगे, सो के चलेंगे, कैसे चलेंगे, राइट. तो ये सारी चीजें क्या है कि आपको फ्यूचर को अप्लाई करना है. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यही जो नॉलेज आपको मिला आपने उसको अप्लाई किया और अप्लाई करके आपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाया, राइट. इसके जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स भी यही होते हैं कि प्रिडिक्ट करना, ठीक है, प्रिडिक्ट करना कि क्या आपको पता चल रहा है कि आगे क्या होगा, और दूसरा डेमोन्स्ट्रेट करना, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करना कि दिखाना कि आप दिखा पा रहे हो कि किस तरीके से आगे चल के वो बढ़ेगा, राइट. नेक्स्ट होता है एनालिसिस. अब एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, राइट. विश्लेषण करने का मतलब क्या होता है कि आपको चीजों को एक छोटे छोटे टुकड़ों में आप देख रहे हो और देख के आप उसको जो है बता पा रहे हो, डिफाइन कर पा रहे हो कि अच्छा ठीक है, ये जो चीज है वो ऐसे हुई थी, ये जो चीज है ऐसे हुई थी. आप समझ पा रहे हो कि ये जो चेंजेस आए आपके बॉडी में, पूरे के पूरे चेंजेस आए, वो क्यों आए, उसके पीछे का कारण क्या था, राइट, क्या रीजन था जिसके वजह से वो चेंज हुआ. ऑलराइट, हिंदी में भी कंटेंट दिखाओ डियर. ये ना पिक्चर है, अब इस पिक्चर को मैं हिंदी में कैसे लाऊं, बताओ. मैं बता तो रही हूँ आपको, राइट, मैं बता रही हूँ, उसको सुनो. एनालिसिस करना मतलब क्या होता है, विश्लेषण करना चीजों का. अब यहाँ पे क्या होता है, वो लोग समझ पाते हैं, यहाँ पे वो लोग ना व्हाई, हाउ,
हुम ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस है उनका वो लोग आंसर करते हैं, राइट। अगर टीचर ने आप लोगों को पूछ लिया कितना नॉलेज है, आप रिमेम्बर नहीं कर पाए, ठीक है। अगर उन्होंने आपको बोला कि ओन वर्ड्स में एक्सप्रेस करो, हो सकता है वो भी नहीं कर पाए। उन्होंने आपको बोला कि फ्यूचर क्या होगा, अच्छा ठीक है ये बता दो, हो सकता है वो भी नहीं कर पाए। लेकिन जब टीचर ने आपसे टुकड़ों में पूछा ना कि ये जो हुआ ये क्यों हुआ, आपने इसका आंसर दे दिया, हाउ कैसे हुआ आपने इसका आंसर दे दिया, किसने करा आपने इसका आंसर दे दिया, तो ये क्या हुआ, आपने जो है अच्छे से एनालिसिस कर लिया पूरे के पूरे टॉपिक को और आपको जो है अभी चीजें समझ में आ गई, राइट। चलो अब यहाँ पे जो है दो चीजें चेंज हुई हैं, ठीक है। एक है सिंथेसाइज करना और एक है इवैल्यूएट करना। अब देखो सिंथेसाइज करने का मतलब होता है पार्ट्स को समझना, ठीक है। जब एनालाइज किया ना तो आपने पार्ट्स को ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, पार्ट्स को ब्रेक किया, किसने किया, कैसे किया, कब किया, यहाँ पे आपने ब्रेक किया। और सिंथेसाइज में क्या होता है, पार्ट्स को ना आप वापस से जोड़ देते हो, ठीक है। आप वापस से उसको क्या करते हो, टुगेदर लेकर आते हो, वापस से आप उन चीजों को एक साथ लेकर आते हो। मतलब यहाँ पे आप एक चीज को पढ़ रहे हो, एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे हो और यहाँ पे एज अ होल को पढ़ रहे हो, पूरे के पूरे टॉपिक को पढ़ रहे हो, राइट। तो ये होता है सिंथेसाइज करना। और फिर इवेल्युएशन का मतलब तो आपको पता ही होता है कि किसी भी चीज में जजमेंट पास करना, मतलब आपकी उस चीज को लेके राय क्या है, आपकी उस आपके जो व्यूज हैं उसको एक्सप्रेस करो। बस यहाँ पे सिर्फ ये दो चीजें चेंज हुई। पहले यहाँ पे था कि होल, मतलब पहले आपने पार्ट्स को समझ लिया, पार्ट्स को समझने के बाद आपने होल को समझा, होल को समझने के बाद आपने उस पर अपनी जजमेंट दी, आपने उस पर अपनी राय दी। बल्कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपने पहले पार्ट्स को समझा, पार्ट्स को तोड़ा, तोड़ के आपने उस पर अपनी राय दी, राय देने के बाद आपने जो है उसको लेके कोई और मॉडल आप क्रिएट कर पा रहे हो कि नहीं वो होता है, राइट। मतलब आप अपना जो है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई असाइनमेंट दे दूं, मैंने आप लोगों को ये असाइनमेंट दिया कि ये जो है हमारा इवैल्यूएशन मॉडल उसको जो आप है मुझे किसी डिजिटल फॉर्म में बनाकर दिखाओ, तो क्या आप बिना देखे जो है उसको बना पा रहे हो, बिना आप किसी चीज़ का रेफरेंस लिए उसको बना पा रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं क्रिएट करना, राइट। बस इतना ही, दो ही चीजें चेंज हुई थी, बाकी के चारों चीजें सेम है। पहले पहले तो नॉलेज होता है, अंडरस्टैंड करते हैं कि आपको कितनी चीजें समझ में आई, कितनी आप याद कर पा रहे हो, फिर कॉम्प्रिहेंड करना, अंडरस्टैंड करना, दोनों ही चीजें सेम है कि क्या आप उसको आपके ओन वर्ड्स में बता पा रहे हो, एक्सप्रेस कर पा रहे हो, अप्लाई करना मतलब उस चीज को लेके किसी और चीज में या उसका फ्यूचर आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, एनालाइज करना मतलब अब तक जितना हमने देखा उसको तोड़ना, पार्ट्स में डिवाइड करना और एक एक चीज पे विश्लेषण करना, राइट। इसके बाद जो है 1956 में आता है सिंथेसाइज करना, मतलब जो आपने एक एक चीज में तोड़ा, अब उसको आप एक साथ जोड़ लो और जोड़ के समझो और उसके बाद आपकी जो है जजमेंट पास करो। वेरेज यहाँ पे क्या था, जब आपने पार्ट्स को तोड़ा, अब पार्ट्स को तोड़ लिया, आपने समझ लिया, पूरा ब्रेक डाउन कर लिया, उसके बाद अब आपकी जो है व्यू क्या है उसको एक्सप्रेस करो और उसके बाद कि आप उस चीज को लेके कुछ और क्रिएट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, राइट। मैम एग्जाम में वर्ड्स हिंदी में दिखाएंगे तो हम कैसे समझेंगे, तो डियर मैंने ये आप लोगों को बस छोटा सा रिवीजन कराया मैंने, राइट। तो रिवीजन में आप लोग प्लीज मुझसे ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैं हिंदी भी लेकर आऊँ और उसके अंदर का कंटेंट भी लेकर आऊँ, लेकिन यस अगर आपको हिंदी में देखना है तो आप मेरी जो पुराने प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हो, मैंने वो आप लोगों को एक एक जो है पूरा का पूरा पार्ट एकदम अच्छे से डिटेल्ड में कराया, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही चीजें हैं, राइट। तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हो, ऑलराइट। चलो तो जितने भी बच्चे यहाँ पे न्यू हैं, ठीक है, अगर आप हमको फॉलो नहीं कर रहे हो तो हम वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे हैं, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप हमको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे हम जो है नेट और सेट सारे एग्जामिनेशन के प्रेपरेशन कराते हैं, दिन में 4 क्लासेस होते हैं, मेरे बाद अभी आपकी DI की क्लास होगी और आपकी जो है ICT की क्लास भी होगी, राइट। चलो अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। एंड स्टिल अगर आपको नहीं भी समझ में आता है, राइट, कि कोई चीज़ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। और डियर देखो बहुत ही इजी से टॉपिक्स हमने किए अभी, राइट, नॉलेज, रिमेम्बर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालिसिस। मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ना थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में आनी चाहिए, राइट। नॉलेज होना, आपको पता है नॉलेज क्या होता है, नॉलेज ज्ञान होता है, राइट। एप्लीकेशन करना क्या होता है, मैं आपको समझा रही हूँ कि उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर पाना, राइट। सिंथेसाइज करना क्या होता है, उसको ब्रेक डाउन करना चीज़ों को, विश्लेषण करना। अब जितना मुझसे हो पाता है हिंदी में उतना कर लेती हूँ,
बाकी थोड़ा सा जो है वो आप भी कर सकते हो राइट। अगर आप लोग इसी चीज को ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी को अगर आप इसी चीज को एक बार हिंदी ट्रांसलेटर खोल के इनको कॉपी करके पेस्ट कर दोगे ना, तो आपको उसका जो है सारा का सारा हिंदी आ जाएगा राइट। तो थोड़ी सी मेहनत प्लीज आप लोग भी कर लो। अगर नहीं समझ में आता है स्टिल आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं आप लोगों को आंसर जरूर करूंगी राइट। थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी चाहिए, है कि नहीं, है कि नहीं। अभी मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे यहाँ पे आंसर्स दे रहे हैं, लेकिन ये आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ये लेक्चर खत्म होने के बाद देना। व्हाई बिकॉज़ देखो इससे क्या होता है, एक तो आंसर्स प्रिजर्व भी रहते हैं और दूसरा सबको टाइम मिलता है कि क्लास खत्म करके वो लोग जाएं और गूगल करके जो है उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी भी कर लें राइट। चलो अब रिसर्च पे हम लोग वापस आते हैं ठीक है। अब रिसर्च में हमने इतना तो कर लिया है, उसके बेसिक्स कर लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स कर लिए, पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म कर लिए राइट, उसके टाइप्स कर लिए, ये छह चीजें हमने उसमें कर ली। तो अभी जो है मुझे लगता है ये रिसर्च के जो स्टेप्स हैं उसको याद करना समझना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा राइट। तो चलो एक बार थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपका प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, मतलब आपके प्रॉब्लम को ढूंढना राइट, अपने प्रॉब्लम को खोज निकालना। और डोंट वरी इसका हिंदी है हमारे पास ठीक है, ये देख लो सारे स्टेप्स हैं और हर एक स्टेप का हिंदी भी है हमारे पास, लेकिन पहले मुझे एक्सप्लेन कर लेने दो ठीक है। चलो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, से फॉर एन एग्जाम्पल आप लोग समझ लो, आप लोग आपका एक एग्जाम्पल ले लो, अगर आप लोग कोई रिसर्च कर रहे हो राइट, तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा मुझे बताओ। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको टीचर ने बोला कि जो इवैल्यूएशन हुआ है ह्यूमन बॉडी का ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी का इवैल्यूएशन होता है उसके ऊपर आप लोग मुझे रिसर्च करके बताओ ठीक है, मैंने आपको ये असाइनमेंट दिया, तो आप पहले क्या करोगे, सबसे पहले पहले क्या करोगे, दिमाग लगाओ। क्या करोगे सबसे पहले पहले बताओ, प्रॉब्लम को देखेंगे, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे। ये तो आपने देख लिया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे? क्या आपको लगता है सबसे पहले पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे? जब तक आपने रिसर्च की एरिया क्या है वही फाइंड आउट नहीं की, मतलब आपको जो है मार्केटिंग में कोई रिसर्च करनी है, आपको फाइनेंस में कोई रिसर्च करनी है, आपको ह्यूमंस की साइकोलॉजी पे कोई रिसर्च करनी है, तो जब तक आपने रिसर्च करने की एरिया को ही नहीं डिसाइड किया तो तब तक आप प्रॉब्लम कहाँ से आइडेंटिफाई कर पाओगे? बस खाली देख लिया प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है तो बोल दिया प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है सबसे पहला। सबसे पहले पहले जब भी आपको वो स्टेप्स पूछेगा, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च पूछेगा, अगर कहीं पे आपको रिसर्च की एरिया दिखाई दे रही है ठीक है, अगर आपको रिसर्च की एरिया दिखाई दे रही है तो सबसे पहले ऑफ कोर्स आप रिसर्च की एरिया फाइंड आउट करोगे राइट, कि किस एरिया में आपको जो है रिसर्च करनी है, आप किस एरिया में इंटरेस्टेड हो रिसर्च करने के लिए राइट। उस रिसर्च को करने के लिए आपके क्या रीजंस है, दो रीजंस हो सकते हैं, एक तो आपके पर्सनल रीजंस हो सकते हैं राइट, कि पर्सनली आप किसी रिसर्च में इंटरेस्टेड हो। अभी जैसे कल जो है मैं और मेरी नीज ऐसे ही बैठे हुए थे राइट, तो उसने जो है चोटी बनाई हुई थी, ऐसे जो है बन बनाया हुआ था अपने बालों में ठीक है, तो बन इतना ज्यादा ऊपर था तो मैं उसको चिढ़ा रही थी कि वो ना मुर्गी लग रही है राइट। तो शी सेड कि मैं मुर्गी लग रही हूँ, मेरी क्या चोच इतनी बड़ी है, तो मैंने बोला चोच तो इतने बड़े नहीं लेकिन तेरे दांत बड़े। तो मेरे दिमाग में आया कि मतलब आई वॉज वंडरिंग कि जो मुर्गी होती है क्या उसके पास दांत होते हैं, मतलब उसके पास तो बीक होती है राइट, उसकी तो बीक होती है, चोच होती है, लेकिन वो चोच के अंदर उसके पास दांत भी होते होंगे क्या। तो ये ऐसे ही जस्ट एक क्यूरियोसिटी आई मेरे मन में राइट, तो उसने बोला चलो उसके उसके ऊपर रिसर्च करके आते हैं राइट, मुर्गी को पकड़ेंगे अभी और जाएंगे जाके रिसर्च करेंगे।
तो मतलब वो टॉन्ट मारे थे मुझे, वो अलग बात है। तो आप जब भी रिसर्च कर रहे हो उसके भी दो रीजन होंगे राइट, कोई पर्सनल रीजन होगा कोई प्रोफेशनल रीजन होगा। पर्सनली आपको किसी चीज में इंटरेस्ट होगा, आपको जाके उसके बारे में स्टडी करनी है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टडी। या फिर प्रोफेशनली जैसे आप PhD कर रहे हो या टीचर ने आपको जैसे एक असाइनमेंट दे दिया कि जाओ जाके इवेल्युएशन कैसे हुआ ह्यूमन बॉडी का, उसके ऊपर आप जो है जाके रिसर्च करके आओ। तो दो रीजन हो सकते हैं उसके, प्रोफेशनल हो सकता है, आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है किसी भी चीज को करने का। और जब भी आपका जेन्युइन इंटरेस्ट होगा ना उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, वो हमेशा आपके लिए आसान हो जाएगा राइट। तो जब भी वो पूछे कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तो वो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम अगर दिया है तो ठीक है, अगर रिसर्च एरिया दी हुई है तो फर्स्ट स्टेप रिसर्च एरिया बन जाएगा राइट। चलो अब एरिया आपने ढूंढ ली, ठीक है, आपने एरिया ढूंढ ली, वो एरिया के अंदर कौन सी प्रॉब्लम चल रही है वो भी आपने ढूंढ ली राइट। उसके बाद क्या करोगे, ठीक है, आपने प्रॉब्लम ढूंढ ली, रिसर्च की एरिया ढूंढ ली, अब नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट क्या करोगे बताओ जल्दी से। समस्या को पहचानेंगे, ओके, परिवर्तन क्या हुआ उसका कारण पता लगाएंगे, यस, लेकिन कारण कैसे पता लगाओगे राइट। नेक्स्ट जो आपको करना पड़ेगा, नेक्स्ट ना आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा। लिटरेचर रिव्यू करना मतलब क्या, उसको लेके जितना भी साहित्य अवेलेबल है। अब आप कैसे सर्च करोगे कि भाई मुर्गी के पास दांत होते हैं कि नहीं होते हैं, आप क्या करोगे, ऑफकोर्स गूगल बाबा के पास जाओगे, गूगल बाबा के पास जाके जो है पढ़ने की कोशिश करोगे इस चीज को लेके राइट। तो आपके मन में यहाँ पे सबसे पहले पहले तो एक क्वेश्चन आया, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप कहाँ लेके गए, आप उस क्वेश्चन को गूगल बाबा के पास लेके गए, ठीक है, गूगल बाबा के पास लेके गए, आपने देखने की कोशिश करी कि क्या मेरे अलावा और भी कोई है जिसके दिमाग में ऐसी ही चीज आई थी कि बीक के अंदर दांत होते हैं कि नहीं होते हैं राइट। तो आपने क्या किया, गूगल बाबा से जाके पूछा कि ऐसा ऐसा होता है कि नहीं। अब आपको पता चला कि इसके ऊपर तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने सर्च कर लिया है राइट, हो सकता है कि हुई हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि इस चीज के ऊपर जो है बहुत सारे रिजल्ट हुई हो। तो जितनी भी रिजल्ट आई होंगे ऑफकोर्स आप उनको पढ़ोगे राइट। ऑफ कोर्स अब आप क्या करोगे, आपके पास ऑलरेडी अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन है तो फिर से थोड़ी ना आप जाके वो क्वेश्चन का सोल्यूशन लाओगे राइट। तो ये भी बहुत बार वो पूछ लेता है कि आप जो है लिटरेचर रिव्यू किस चीजों पे करते हो, जो ऑलरेडी हो चुका है उस पे, और अगर लिटरेचर रिव्यू पे आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है राइट, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो सीधी सीधी बात है आप उस पे और रिसर्च कंडक्ट नहीं करोगे भाई, बिकॉज आपको आंसर मिल गया, आपको सोल्यूशन मिल गया, आप ऑलरेडी आपके लास्ट जो है स्टेप पे पहुंच गए। तो यहाँ पे दो चीजें होती है, एक तो आप इवैल्यूएट करते हो कि और कोई मेरे पास साहित्य है क्या, किसी बुक्स में, किसी मैगजीन्स में, कहीं पे भी आप चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हो, अगर वहां पे चीजें अवेलेबल हैं आपके पास राइट। अगर आपके पास वहां पे चीजें अवेलेबल हैं तो उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन जाग जाए राइट। हो सकता है कि इस एरिया को छोड़ के, इस एरिया का आपको आंसर मिल गया, अब आपका आंसर किसी और एरिया पे चले जाए। हो सकता है आपने इवैल्यूएशन पढ़ा, आपको इवैल्यूएशन पढ़ते पढ़ते इसका रीजन पता चल गया, लेकिन रीजन के ऊपर भी आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा था राइट, आपको लगा कि इस चीज को लेके कोई और भी एंगल हो सकता है। तो आप क्या करते हो, इसीलिए लिटरेचर रिव्यू करते हो, ये देखने के लिए कि आपका जो टॉपिक है वो ऑलरेडी किसी ने किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, या फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो छूट गई हैं लोगों से रिसर्च करना। तो जो टॉपिक छूटे होंगे उस टॉपिक को लेके आप क्या करोगे, आगे अपनी रिसर्च को कंडक्ट करोगे राइट। इसको जो है लिटरेचर रिव्यू को हम जो है एकदम लॉन्गेस्ट स्टेज बोलते हैं, ठीक है। अगर वो आपसे पूछता है कि सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज क्या है किसी भी रिसर्च का, तो सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज लिटरेचर रिव्यू होता है राइट। और लिटरेचर रिव्यू में सच कहूं तो आप यहाँ पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, प्रॉब्लम के आप ऑब्जेक्टिव्स भी तो लाओगे राइट। जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उस रिसर्च के पीछे आपका मोटिव क्या है, अगर हम लोग असल में देखें, एक्चुअल में देखें, तो लिटरेचर रिव्यू तो मोटिव से भी पहले ही स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हमको एट द एंड मोटिव भी तो लिटरेचर रिव्यू करने से ही मिला। लिटरेचर रिव्यू करने से ही हमको पता चला कि अच्छा ठीक है, इस चीज में रिसर्च नहीं हुई है तो हमको इस चीज में रिसर्च को आगे बढ़ाना है राइट। यहाँ पे वो क्या करता है, जो रिसर्चर है उसकी जितनी प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करता है, फिर वो यहाँ पे क्या करता है, दोबारा से उस रिसर्च को कंडक्ट करने के ऑब्जेक्टिव्स और एम्स को भी डिफाइन करता है
वो लिटरेचर रिव्यू ही होता है जहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स और एम्स को जो है डिफाइन कर देते हैं, राइट। यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, हम लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे हो सकता है हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट हो उस चीज़ को लेके वो पढ़ सकते हैं, कोई जर्नल पढ़ सकते हैं, कोई ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे हम पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद एक जो है नतीजे पे पहुँचते हैं, अच्छा ठीक है हमको आगे किस चीज़ में जो है रिसर्च कंटिन्यू करनी है, राइट। नेक्स्ट होता है हाइपोथेसिस फॉर्म करना। हाइपोथेसिस क्रिएट करना मतलब परिकल्पना क्रिएट करना, राइट। अब आप जो है आपने देखा इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन बॉडी हो रहा है, राइट, तो आपको पता चलेगा कि इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन बॉडी क्यों हो रहा है, राइट। आपको लगेगा कि कोई तो रीजन होगा, तो कोई रीजन इसके पीछे का आपके दिमाग में भी होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ एक क्वेश्चन आया कि जो बीक होती है मुर्गी की उसके अंदर दांत होते हैं कि नहीं होते हैं, तो आपका अंदाजा तो कुछ ना कुछ होगा, राइट, कि हो सकता है उसके पास दांत हो तभी तो वो खाना खा पा रही, नहीं तो खाना कैसे खा पाएगी, राइट। सबके पास दांत होते हैं तो उसके पास भी होंगे, तो हो सकता है ये आपने हाइपोथेसिस बनाया, मतलब आपने क्या किया एक टेंटेटिव सोल्यूशन बनाया, मतलब हाल ही में फिलहाल के लिए टेम्पररी बेसिस पे आपने जो है अपने पूरे रिसर्च को एक सोल्यूशन दे दिया, जिस सोल्यूशन को आप जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। अब यहाँ पे हाइपोथेसिस में दो तरीके के हाइपोथेसिस होते हैं, ठीक है। एक वो हाइपोथेसिस होता है जो सबको पता है, राइट, एक वो हाइपोथेसिस होता है जो सबको पता है, उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। और दूसरा हाइपोथेसिस होता है रिसर्चर का हाइपोथेसिस, जिसको उसको जो है प्रूव करना रहता है। मैंने बोला कि इस बीक के अंदर दांत होते हैं, तो मुझे क्या करना है, उसको प्रूव करना है कि इस बीक के अंदर दांत हैं इसीलिए वो खाना खा पा रही है। तो ये क्या होगा, ये मेरा हाइपोथेसिस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिसर्चर हाइपोथेसिस या फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है, या तो हम क्या बोलेंगे उसको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एच जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम H0 से डोनेट करते हैं, और जो हमारी रिसर्चर की हाइपोथेसिस होती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है उसको हम H1 से डिनोट करते हैं, राइट। चलो अब किसी ने नीचे वर्किंग हाइपोथेसिस लिखा है, तो ये भी बहुत अच्छी उन्होंने मुझे पॉइंट याद दिलाया। यहाँ पे जब भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, मैंने आपको क्या बोला, ये एक टेंटेटिव सोल्यूशन है, हम टेम्पररी बेसिस पे एक सोल्यूशन ले रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक तरीके का हमारा वर्किंग हाइपोथेसिस है, ठीक है। वर्किंग हाइपोथेसिस है जो सच में सोल्यूशन नहीं है, लेकिन वो ऐसा सोल्यूशन है जिसपे हम काम कर रहे हैं, जिसपे वर्क कर रहे हैं, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, वर्किंग हाइपोथेसिस बोलेंगे, राइट। अब देखो जो नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस तो प्रूवन ही है, राइट, मतलब आपको अभी तक जानकारी नहीं है कि ये बीक के अंदर दांत होते हैं या नहीं होते हैं, तो अब तक आप क्या समझ के चल रहे हो कि नहीं होते हैं, राइट, अब तक समझ के चल रहे हो कि नहीं होते, तो ये तो प्रूवन ही है ऑलराइट, मतलब सबको पता ही है कि ऐसा होता है। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं, जब भी हम टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट हम हमेशा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की करते हैं, H1 की करते हैं, तभी तो पता चलेगा ना कि दांत हैं भी कि नहीं है, राइट। तो जब भी हम किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करनी होती है, तो हम H1 को टेस्ट करते हैं, यानी कि हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट है हमारा रिसर्च का डिजाइन बनाना, ठीक है। अब आपने जो है एक परिकल्पना बना दी, पहले आपने प्रॉब्लम को देखा कौन सी प्रॉब्लम है, उसके बाद आपने उसके ऊपर पूरा का पूरा साहित्य देख लिया, राइट, आपने एक परिकल्पना बना ली, परिकल्पना बना ही लिए, राइट, अब आपने ठान ही लिए तो आप तो रिसर्च करने वाले हो, तो रिसर्च कैसे करोगे, किस तरीके का डेटा जो आप है कलेक्ट करोगे, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करोगे, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करोगे, किन किन लोगों से आप क्वेश्चन पूछोगे, राइट, कौन सी चीजें हैं जो आप करोगे, कितना टाइम स्पेन लगेगा आपके रिसर्च को करने के लिए, कितना पैसा लगेगा आपके रिसर्च को करने के लिए, कौन सी एरियाज में आप रिसर्च को कंडक्ट करोगे, डेटा किस तरीके से कलेक्ट करोगे, अच्छा ठीक है डेटा आपने कलेक्ट कर ली, तो कलेक्ट करने के बाद आप उस पर कौन सी टेस्ट लगाओगे, ये सारी ही सारी चीजें आपको जो है ना पहले ही डिसाइड कर लेनी पड़ती है रिसर्च डिजाइन के टाइम पे। रिसर्च डिजाइन को आप ना पूरे रिसर्च का ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हो, राइट, ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हो। जैसे हम लोग एक घर बनवाते हैं, तो एक घर का ब्लूप्रिंट होता है हमारे पास, पता रहता है पहले से कि पूरा घर फ्यूचर में चल के कैसे दिखने वाला है, तो रिसर्च डिजाइन में भी हम क्या करते हैं, ब्लूप्रिंटिंग कर देते हैं, जहां पे हमको पता रहता है ऑलरेडी कि रिसर्च जो है हमारी आगे चल के कैसे दिखने वाली है, राइट। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा, राइट, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, कोई बता सकता है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा जो है वो क्या होता है,
Alternative hypotheses are done on two different variables which shows a relationship. Their relationship तो null hypothesis भी दिखाते हैं, right? Null hypothesis भी दिखा रहे हैं ना कि no connection. अगर वो आपको बोल रहा है ना कि कोई relation नहीं है इनके बीच में, still वो जो है वो relate करके बता रहा है आपको, right? Still वो जो है एक तरीके का correlation दिखा रहा है. इस बात का ध्यान रखना, इस बात को लेके वो लोग आपको confuse कर सकते हैं, right? बट येस दिस इज ट्रू. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स लेते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. ओके, प्राइमरी डेटा फर्स्ट हैंड डेटा होती है, प्राइमरी डेटा खुद से जाके कलेक्ट करते हैं. येस अब आप लोग मुझे बताओ कि कौन से तरीके की डेटा, राइट? जब हम प्राइमरी डेटा की बात कर रहे हैं तो कौन से टाइप ऑफ रिसर्च में हम जो है प्राइमरी डेटा जाके कलेक्ट करते हैं, कौन सा डेटा है जो, कौन सा रिसर्च है जो बिना प्राइमरी डेटा के होगा ही नहीं, बताओ. मैम नल हाइपोथेसिस क्या है? डियर देखो, दो तरीके के हाइपोथेसिस थे, ठीक है? हमने देखा एक नल हाइपोथेसिस है, एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ठीक है? नल हाइपोथेसिस को हम एच जीरो से डोनेट करते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एच से डोनेट करते हैं, ठीक है? और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम रिसर्चर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, राइट? अब ये वाले स्टेप में जब आपने एक हाइपोथेसिस बनाई, ठीक है, जब आपने अपनी एक परिकल्पना बनाई, ठीक है, जो भी आपके कल्पना में था, जो भी आपका जो है काल्पनिक सोल्यूशन था, ठीक है, वो सोल्यूशन आपने बनाया ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, लेकिन उसके पहले हमारे पास कोई तो सोल्यूशन होगा, राइट? अब जैसे वो बीक की मैं बात कर रही हूँ, बीक के अंदर दांत है कि नहीं है, तो अब तक किसी ने उस पर रिसर्च नहीं किया, तो हम क्यों, हम मान के चल रहे हैं कि बस उसके पास सिर्फ जो है बीक है, उसके अंदर दांत नहीं है, राइट? तो ये क्या है, ये एक तरीके का नल हाइपोथेसिस, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना मेरे पास उस चीज को लेके, जो मेरे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस चीज को लेके, वो क्या बोलोगे आप, नल हाइपोथेसिस है. और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी खुद की कल्पना है, राइट? जैसे जो है न्यूटन ने सर्च करने की कोशिश की गुरुत्वाकर्षण बल जो है धरती में है, लेकिन उसके पहले नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या था कि कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, हमको भगवान जी ने ऐसे ही भेजा है धरती पर चलने के लिए, इसीलिए हम धरती पर चलते हैं, बर्ड्स को उड़ने के लिए भेजा इसीलिए वो बर्ड उड़ते हैं, राइट? तो ये क्या थी, नल हाइपोथेसिस, मतलब हमको पता था ऑलरेडी कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन वो तो जब रिसर्च किया, जब खोजा, बहुत सारा पता लगाया, तब लगा कि अच्छा ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है धरती में, इसीलिए हम जो है खड़े हो पा रहे हैं उसके ऊपर, राइट? वो हमको खींच रही है. तो ये क्या है, ये एक तरीके का नल हाइपोथेसिस है. मतलब पहले हमको पता होता है कि कोई रिलेशन नहीं है, वो नल हाइपोथेसिस होता है, फिर बाद में हम रिलेशन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, तो वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन जाता है, राइट? प्राइमरी डेटा काउंसलिंग में लिया जाता है, नहीं डियर, डेमोग्राफिक रिसर्च में, केस स्टडी में. अर्चना, अगर मैं बोलूं कि आप केस स्टडी में जो है प्राइमरी डेटा ले रहे हो, तो क्या ये सच होगा कि आप केस स्टडी में प्राइमरी डेटा ले रहे हो, आप केस स्टडी में खुद से जाके जो है डेटा को कलेक्ट कर रहे हो? आपको नहीं लगता कि जो हमारा फंडामेंटल रिसर्च होता है, राइट, जो हमारा फंडामेंटल रिसर्च होता है, या फिर जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है जिसमें हम सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, उसमें जाके हम प्राइमरी डेटा का यूज करते हैं, राइट? अगर मैं केस स्टडी की बात करूं तो केस ऑलरेडी हो चुका है, उस केस के ऊपर मेरे पास ऑलरेडी नॉलेज है, राइट? उस चीज के ऊपर मेरे पास ऑलरेडी लिटरेचर रिव्यू जो है रहेगा, राइट? ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पे आप प्राइमरी डेटा जाके कलेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ. यहाँ पे भी आप जाके केस लोगों से इंटरव्यू ले सकते हो, उस केस के बारे में और डिटेल्स को जानने के लिए आप पता कर सकते हो, राइट? लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी डेटा किस में यूज होगा, तो आपके दिमाग में एक क्लिक होना चाहिए था कि फंडामेंटल रिसर्च और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होते हैं, जहाँ पे हमारे पास कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे जो आप है प्राइमरी डेटा को यूज करोगे, राइट? एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? जब भी आपको वो प्राइमरी डेटा बोलता है, तो आपके दिमाग में ये दोनों चीजें बिल्कुल स्ट्राइक करनी चाहिए. अगर ऐसा स्ट्राइक हो रहा है, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक को लेके अच्छी है, नहीं तो थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है?
चलो, अब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब आपने रिसर्च की डिजाइन को जो है बता दिया कि रिसर्च डिजाइन क्या होगी, उसके बाद क्या होगा बताओ। आपने रिसर्च की डिजाइन कर ली, राइट? अब रिसर्च की डिजाइन कर ली, पता कर लिया कि रिसर्च कैसे कैसे होगी, अब उस रिसर्च को एक्चुअली में आप इम्प्लीमेंट करोगे, राइट? अब उस रिसर्च को एक्चुअली में करने की बारी आएगी। यहाँ तक तो वो ऑन पेपर थी, ठीक है? यहाँ तक वो ऑन पेपर है। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया अपने हेड में, ठीक है? लिटरेचर रिव्यू भी आपने पेपर्स न्यूज़पेपर्स से पढ़ा, हाइपोथेसिस भी आपने पेपर में डाल के डाला, ठीक है? रिसर्च की डिजाइन भी आपने पेपर में डाली, तो फोर्थ स्टेप तक तो वो ऑन पेपर ही चल रहा था, ठीक है? असली स्टेप तो आगे शुरू होगी, राइट? पिक्चर अभी बाकी है। चलो, तो नेक्स्ट आप क्या करोगे, असल में आप जो है उस रिसर्च को करने की कोशिश करोगे, कंडक्ट करोगे। तो जब आप ऐसे ही रिसर्च को कंडक्ट करते हो, तो सबसे पहला पहला स्टेप क्या आता है, आप पॉपुलेशन बताओगे, ठीक है? कि कौन सी पॉपुलेशन है, कौन सा एरिया है जहाँ से आप डेटा को कलेक्ट करोगे, कितने तरीके के लोग होंगे, कौन सी एज होगी उनकी, पूरी की पूरी आप क्या करोगे, डेमोग्राफिक्स उसके देख लोगे, राइट? कि कौन सी एरिया होगी, उनके ऑक्यूपेशन क्या होंगे, सारी की सारी चीजें सेट कर लोगे। सेट करने के बाद आप क्या करोगे, एक्चुअल में डेटा को जाके कलेक्ट करोगे, राइट? डेटा को कलेक्ट करके आने के बाद आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, यानी कि चीजों का विश्लेषण करोगे, ठीक है? आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया आपने जाके, उसके बाद आप क्या करोगे, आप बहुत सारे जगहों के बहुत सारे पोल्ट्री फार्म्स में गए, अलग अलग तरीके की जो है आपने मुर्गियां देखी कैसी होती हैं, फिर उसके बाद आपने जो है उनका दांत वगैरह चेक किया, जो कुछ भी किया, आपको जितनी भी डेटा कलेक्ट करनी थी आपने डेटा कलेक्ट कर ली, पोल्ट्री फार्म के ओनर से आपने जो है इंटरव्यू वगैरह ले ली। अब आपके पास डेटा तो आ गया, बहुत सारे डेटा आपके पास, ठीक है? आपके पास जो है बहुत सारे डेटा आपके हाथ में, आपने पॉपुलेशन में डिसाइड किया था कि आप किसी 100 100 डिफरेंट डिफरेंट पोल्ट्री फार्म्स में आप जाओगे और जाके डेटा कलेक्ट करोगे। आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, आपने सर्वे कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब आप क्या करोगे, आप उस डेटा का विश्लेषण करोगे, राइट? मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जो है कंक्लूजन निकालने की कोशिश करोगे कि आखिर में है क्या, वो बीक के अंदर क्या है, दांत है कि नहीं है, राइट? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एनालिसिस करने की कोशिश करोगे, जितनी भी आपके पास डेटा मिली उनको ना सारे सब लोगों के इंटरव्यूज आप अलग से रखोगे, राइट? वो जो मुर्गी है उस मुर्गी के आपने कुछ फीचर्स देखे होंगे, छोटी है, बड़ी है, मोटी है, पतली है, एक टांगे, दो टांगे, जो भी है, राइट? तो उसको जो आप है अलग अलग डिवाइड करने की कोशिश करोगे। तो एनालिसिस में क्या करते हो, आप डेटा को ब्रेक डाउन करते हो, डेटा को तोड़ते हो और हर एक पार्ट को अलग अलग नजरिए से समझने की कोशिश करते हो, और उसके बाद एट दी एंड क्या करते हो, आप एक कंक्लूजन पे आ जाते हो, आपको जो है एक सोल्यूशन मिल जाता है आपकी प्रॉब्लम का, राइट? अब आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल गया, आगे क्या करोगे, आपको पता चल गया कि मुर्गी के बीक के नीचे दांत होते हैं, ठीक है? अब क्या करोगे, अब आगे आगे क्या करोगे बताओ, ये जो डेटा एनालिसिस का स्टेप होता है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल स्टेप होता है, राइट? ये डेटा एनालिसिस पूरे जो रिसर्च है हमारा, सबसे अगर इम्पॉर्टेंट स्टेप मैं बोलूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप डेटा एनालिसिस का ही होता है। जहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने जहाँ से रिसर्च स्टार्ट की थी, जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, जहाँ से हमने रिसर्च स्टार्ट की थी उसके पास जो हम है वापस जाते हैं और जाके देखने की कोशिश करते हैं ये स्टेज पे कि अच्छा ठीक है, मैंने डेटा कलेक्ट करी तो सही, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था मुझे इससे उसका आंसर मिला कि नहीं मिला। अगर यहाँ पे लगता है कि नहीं, अभी डेटा जो है कलेक्ट करनी और बाकी है, मुझे लगता है कि इस डेटा में से मुझे मेरा आंसर नहीं मिल पाएगा, तो हम क्या करते हैं, फिर से डेटा कलेक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो पूछे आपसे कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव हम दोबारा कहाँ पे देखते हैं, तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव हम दोबारा डेटा के एनालिसिस पे देखते हैं, चेक करते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्टिव डाला था, ठीक है, हमारा जो मेन मोटिव था रिसर्च को करने का, वो पूरा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे सब चीज को कलेक्ट करके, ठीक है, आपकी प्राइमरी डेटा हो गई, सेकेंडरी डेटा हो गई, जितने भी आपने मान लो कोई किसी प्रीवियस रिसर्च को आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा यूज किया, क्वांटिटेटिव, जितनी भी सारी चीजें, सारी की सारी चीजों को आप अलग अलग से एक एक करके एनालाइज करते हो, एनालाइज करके फिर कंक्लूजन तक पहुंचने की आप क्या करते हो, कोशिश करते हो, राइट? चलो, अब क्या करोगे, रिपोर्ट बनाएंगे, एग्जैक्टली।
राइट रिपोर्ट बनाओगे। आप क्या करोगे, आपको जो भी फाइंडिंग्स मिली उस फाइंडिंग को आप क्या करोगे, एक चिट्ठे में डाल दोगे, आप एक रिपोर्ट बना दोगे उस चीज की, ताकि दोबारा इसके आगे अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आए तो वो क्या करे, वो आपकी रिपोर्ट को लिटरेचर रिव्यू में जाके पढ़ सके। राइट जैसे आपने अभी दूसरों की चीजें पढ़ के आगे तक लगाए, वैसे ही आपकी रिपोर्ट जो है वापस लिटरेचर रिव्यू में जाएगी, कहीं ना कहीं वो पब्लिश हो जाएगी, ताकि कोई और अगर किसी के दिमाग में ऐसा कुछ विचित्र सा क्वेश्चन आए तो वो आपकी जो है रेफरेंस रेफर कर सके, आपकी जो रिसर्च है उसको रेफर कर सके। राइट तो आखिरी स्टेप क्या होगा, आखिरी स्टेप होगा उसको रिपोर्ट करना। ठीक है, उसको क्या करना, उसको रिपोर्ट करना। चलो आई होप ये पूरा का पूरा रिसर्च का जो प्रोसेस है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आया समझ में कि नहीं बताओ जल्दी से, कोई डाउट है तो वो भी बता दो। कोई डाउट है, सारी चीजें समझ में आ गई? ओके सर्वे में प्राइमरी डेटा किया जाता है? यस डियर, सर्वे में जो है प्राइमरी डेटा ही करते हैं हम। मैम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्राइमरी डेटा पे बेस्ड है या नहीं? यस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्राइमरी डेटा पे बेस्ड है। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, राइट जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ऑफकोर्स आप खुद से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आप खुद से उस डेटा को कलेक्ट करोगे। ठीक है, आप खुद से पॉइंट्स को डालोगे, अच्छा ठीक है हमने जो है इस टेस्ट ट्यूब में इतना ml ये वाला केमिकल डाला था, इस टेस्ट ट्यूब में हमने थोड़ा ज़्यादा केमिकल डाला था। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है ना डियर, आपके पास हो सकता है कि उस चीज़ को लेके पहले से ही प्रायर नॉलेज हो। राइट आपको जो है, जैसे हमने कल डव की बात करी थी कि डव पे जब आप लिटमस पेपर लगाओगे तो आपके पास हो सकता है पहले से ही नॉलेज हो, ठीक है, कि वो ब्लू होगा कि पिंक होगा। वाई? बिकॉज उस लिटमस पेपर को आपने कहीं ना कहीं अलग तरीके से यूज किया होगा। राइट आपको डव के अंदर जो है बेस है ये भी ऑलरेडी पहले से ही पता है। राइट तो इसीलिए जब भी मैं ऐसे कहीं पे भी मैंने नहीं बोला कि प्राइमरी डेटा जो है सिर्फ फंडामेंटल और एक्सप्लोरेटरी में आएगा और बाकी किसी में नहीं आएगा। आप हर एक स्टडी में जो है दोनों ही तरीके की डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, प्राइमरी डेटा भी कलेक्ट कर सकते हो, सेकेंडरी डेटा भी कलेक्ट कर सकते हो। राइट लेकिन फंडामेंटल और एक्सप्लोरेटरी में क्या है, सेकेंडरी का चांस ही नहीं है क्योंकि उसमें और कुछ है ही नहीं। ये बिल्कुल हमको इस चीज़ को लेके जीरो नॉलेज है, तो और कोई मेरे पास उसको सोर्स है ही नहीं कलेक्ट करने का। राइट तो इसीलिए मैंने बस आप लोगों को इतना बोला कि जब भी प्राइमरी डेटा आना चाहिए तो आपका दिमाग इस तरीके से फंक्शन करना चाहिए कि फंडामेंटल रिसर्च और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपके दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए। दैट्स इट। बाकी ऐसा आप लोग खुद को कंफ्यूज मत करो कि मैम ये वाले इसमें रिसर्च में प्राइमरी आता है कि नहीं, सेकेंडरी आता है कि नहीं। सब में प्राइमरी सेकेंडरी सब कुछ आता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डिडक्टिव इंडक्टिव सब कुछ, सारे टाइप के जो है आप लोग डेटा कलेक्शन मेथड्स को यूज कर सकते हो, टेस्टिंग को यूज कर सकते हो। राइट चलो मैम एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इवैल्यूएट क्यों करते हैं, किस चीज को इवैल्यूएट करते हैं डियर? किसी भी चीज़ का हम लोग मूल्यांकन क्यों करते हैं, समझने के लिए कि उस टॉपिक को लेकर आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई। अगर नहीं समझेंगे, अगर आपके एग्जामिनेशंस नहीं लेंगे, अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, राइट बहुत सारे बच्चे जो भी चीज़ें मैंने बताया सब लोग तो उस चीज़ को समझ नहीं पाए होंगे। राइट हो सकता है किसी के मन में कुछ ना कुछ डाउट रह गया हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके दिमाग में जो है कुछ ना कुछ डाउट रह गया हो, मतलब आप क्या चाहते हो, कैसा आप एकदम ब्लैंक फेस मेरे सामने आकर खड़े कर रहे हो, मतलब बोल ना सकूंगा मैं, तुम खुद ही समझ जाना, ऐसे होगा क्या? राइट नहीं होगा ऐसे, बिल्कुल आपको समझाना पड़ेगा मुझे, आपको बताना पड़ेगा मुझे कि मैम मुझे ये नहीं आ रहा। राइट मुझे नहीं समझा, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं एक तरीके का इवैल्यूएशन ही कर रही हूँ ना, मूल्यांकन ही कर रही हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आंसर्स पूछ रही हूँ, तब पता लगा रही हूँ कि आपको समझ में आया भी कि नहीं आया। राइट और अगर नहीं समझेंगे कि आपको समझ आया कि नहीं आया, बस ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आके डंप करते जाएं आपके ऊपर जो है, वो मैं इन्फॉर्मेशन को छोड़ते जाऊं तो क्या ही होगा, मतलब वैसे टाइप के पढ़ा के तो कुछ मतलब ही नहीं है, मतलब आपको आया कुछ भी नहीं और आप जो है डॉक्टर बन गए, तो ऐसा होगा कि जब आपको सर्जरी करनी होती है पकड़ने तो इंस्ट्रूमेंट भी नहीं आ रहे लेकिन आपके पास डॉक्टर की पोजिशन तो है।
राइट। तो इसीलिए इवैल्यूएशन नेसेसरी है कि आप इवैल्यूएशन कर क्यों रहे हो, उसके पीछे आपका एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, आपने नेट का एग्जामिनेशन दिया है, जब तक आप नेट का एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर रहे हो। अब मैं आपको बता दूं, नेट के एग्जामिनेशन में जितना भी पोर्शन है ना, वो 9th एंड 10th का है। आप आईसीएसई की बुक उठा के देख लो, मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंस से हर बार इसीलिए बोलती हूँ बिकॉज मेरी नीस खुद वो 9th स्टैंडर्ड में है। मतलब मैं जितनी चीजें, आधे से ज्यादा चीजें जो आपको पढ़ा रही हूँ, मैं उसको भी पढ़ा रही हूँ, राइट। जितनी चीजें मैंने आप लोगों को एनवायरनमेंट में पढ़ाई, मैंने उसको भी पढ़ाई उसकी ज्योग्राफी में। जो भी मैंने आपको यूनिवर्सिटीज पढ़ाई, वो मैंने उसको भी पढ़ाई हिस्ट्री में, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, जो मैंने आपको आधी चीजें यहाँ पे पढ़ाई, कम्युनिकेशन पढ़ाया, उसको मैंने कम्युनिकेशन होम साइंस में पढ़ाया, राइट। तो ये क्या है, ये इवैल्यूएशन है। यहाँ पे नेट भी आपका इवैल्यूएशन करने की कोशिश कर रहा है कि क्या आपको एटलीस्ट 9th एंड 10th जितना बेसिक नॉलेज है कि नहीं। जब आप आगे जाओगे, आपके पेपर 2 का वो लोग क्यों टेस्ट लेते हैं, कि पता तो होना चाहिए कि आपको चीजें आ भी रही हैं या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आप आगे चल के पढ़ाओगे कैसे, आप टीचर बनोगे कैसे, राइट। तो इसीलिए इवैल्यूएशन जरूरी होता है, इसीलिए मूल्यांकन जरूरी होता है। चलो मैम, इसके कोडिंग क्वेश्चन कैसे बनाएं? मतलब मैं डियर आपका क्वेश्चन समझी नहीं, कोडिंग क्वेश्चन मतलब? मैम पॉपुलेशन एक बार और बता दो। डियर देखो, जब आपने डिसाइड किया कि आप जो है 100 पोल्ट्री फार्म्स को जो है जाके स्टडी करोगे, ठीक है। आपने क्या किया, 100 पोल्ट्री फार्म्स, ठीक है। बहुत बड़ी बात होती है कि आप 100 तरीके के पोल्ट्री फार्म्स में जा रहे हो और जाके जो है उस चीज़ की स्टडी कर रहे हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में हमारे पास सिर्फ 100 पोल्ट्री फार्म होंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ 100 पोल्ट्री फार्म होंगे? वर्ल्ड को छोड़ लो, अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूँ या इंडिया के अंदर मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूँ, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ 100 पोल्ट्री फार्म होंगे वहाँ पे? नहीं होंगे, राइट। पता नहीं कितने होंगे, हमको पता ही नहीं है। बहुत ज्यादा पोल्ट्री फार्म्स हो सकते हैं, तो जो वो बहुत ज्यादा पोल्ट्री फार्म्स हो सकते हैं, तो जितने पोल्ट्री फार्म्स है वो क्या है, वो हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है। इस पूरे पॉपुलेशन में से मैंने छोटे से सिर्फ 100 पोल्ट्री फार्म्स को स्टडी करने का जो डिसाइड किया, तो जो मैंने जिस एरिया को मैंने डिसाइड किया, तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरा सैंपल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोल दूँ शैम्पू की बॉटल है, ठीक है, आपको जो है शैम्पू की बॉटल खरीदनी है, आपने देखा उस शैम्पू का प्राइस जो है 345 रुपीज है, ठीक है। आपने देखा उस शैम्पू की जो है बड़ी सी बॉटल है, उसका जो प्राइस है वो 345 रुपीज है, लेकिन आपने क्या देखा, उसके ही बगल में जो है एक 2 रुपीज का छोटा सा सैशे मिल रहा था, ठीक है, उस 2 रुपये का छोटा सा सैशे सेम शैम्पू को लेके। तो आपने क्या देखा कि भाई एक बार सैशे खरीद के देख लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 रुपए वेस्ट होंगे, राइट। लेकिन आप लोग मुझे बताओ, जो सैशे के साथ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जिस तरीके का वो सैशे आपको हेल्प करेगा, आपके बालों को उसने क्लीन किया, जैसा उसने मॉइस्चराइज किया, जो भी कुछ किया, वैसा ही सेम काम क्या वो शैम्पू की बॉटल भी करेगी? क्या वो सेम काम शैम्पू की बॉटल भी करेगी? करेगी, राइट। व्हाई? बिकॉज़ ये शैम्पू की बोतल में से ही तो छोटा सा सैशे बना हुआ है, राइट। तो ये क्या है, ये जो छोटा सा सैशे है जिस पे हमने रिसर्च करी, हमने एक्सपेरिमेंट किया हमारे बालों के ऊपर, तो वो क्या है, वो हमारा सैंपल है, ठीक है। वेयर एज पूरी की बोतल क्या है, हमारा पॉपुलेशन है, जिसको हमने बड़े से पॉपुलेशन में से, बड़े से एरिया में से छोटी सी चीज निकाल के जिस पे हमने स्टडी करा, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा सैंपल हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि पॉपुलेशन क्या है और सैंपल क्या है। जो बच्चे नो बोल रहे हैं ना, वो लोग, आपने मेरा क्वेश्चन समझा कि नहीं, आई डोंट नो। आप शैम्पू के छोटे छोटे पाउच लेकर आते हो और शैम्पू की बड़ी सी बॉटल लेके आओ, ऑफकोर्स दोनों सेम रहेंगे, राइट। क्या फर्क होता है वो शैम्पू की बॉटल में और शैम्पू वाले पाउच में, क्या फर्क होता है? कुछ भी फर्क नहीं होता, दोनों सेम ही रहते हैं, सिर्फ क्वांटिटी का फर्क है, वो ज्यादा क्वांटिटी है या छोटी क्वांटिटी है। तो पॉपुलेशन ज्यादा क्वांटिटी है जिसके ऊपर रिसर्च करना, इट्स इम्पॉसिबल। पता नहीं कितने पोल्ट्री फार्म्स होंगे, हर एक पोल्ट्री फार्म में कैसे जाऊंगी मैं, राइट। तो वो बड़े से जो है क्वांटिटी में से आपने छोटी सी क्वांटिटी उठाई और उस पे आपने क्या किया, रिसर्च कर लिया, तो उसको हम सैंपल बोलेंगे, राइट। चलो अभी आप लोगों की क्लास का टाइम हो गया, ठीक है, मैथ्स का आप लोगों का क्लास का टाइम हो गया, आप लोग जाओ,
कल मैं आप लोगों को जो है ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, रिसर्च को लेके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, वो मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो हम लोग रिसर्च का पेपर देते हैं, ठीक है, वो किस तरीके के होते हैं, सिंपोजियम क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सेमिनार, सिंपोजियम, ये सारी चीज़ें क्या होती है, कॉन्फ्रेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी आपका डीआई का क्लास हो गया, आप लोग डीआई के क्लास को अटेंड करो, ठीक है, आप लोग जाओ जाके अटेंड करो, बाकी की चीज़ें हम कल कंटिन्यू करते हैं, राइट। और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, टिल देन बाय, कीप लर्निंग। और अभी सिर्फ 39 डेज पड़े हैं हमारे पास, थोड़े से जो है आप लोग अलर्ट हो जाओ, थोड़े से जो है रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो पढ़ाई करना चालू कर दो, फॉर्म नहीं फिल किया होगा तो फॉर्म फिल कर लो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच।